हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज कवर करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। क्लास 11th का टॉपिक है और इसमें एक क्वेश्चन मैं पहले ही प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तुम लोगों ने ये क्वेश्चंस बच्चे बहुत ही अच्छे से इनको करके जाना है एग्जाम्स के पहले, तो तुम लोग की स्कोरिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। व्हाट द क्वेश्चन इज, x + iota / होल की पावर 1/3, इट इज गिवन एज ए प्लस आयोटा बी, ए बी एक्स वाई ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हमें ये प्रूव करना है एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ये हमने प्रूव करना है, तो हमने स्टार्ट किया गिवन से। सो वी राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स प्लस आयोटा वाई होल की पावर 1/3 is equal to a plus iota b, ये given है। raise to the power 1/3 का मतलब हो गया क्यूब रूट। ठीक है, तब जैसे स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो हमने यहां पे कर देना है क्यूबिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इससे ऐसा बन गया x plus iota y की पावर 1/3 था, इसका क्यूबिंग यानी इसका होल की पावर 3 कर दिया और यहां पर भी हो गया क्यूब। अब ये पावर 3 और 3 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस तरफ क्या बच गया हमारे पास, x plus iota y, क्योंकि ये कैंसिल हो गए, यहां पे पावर 1 हो गई। इधर फिर हमने a plus b होल क्यूब आइडेंटिटी लगानी है, तो क्या आइडेंटिटी होती है, मैं x plus y में लिख देती हूँ ताकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस इज x cube plus y cube plus 3xy into x plus y। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के बेसिस पर x की जगह तुमने a और y की जगह पर iota b लिखना है, तो कैसे बन गया, दिस इज a cube plus iota b की पावर 3 plus 3 into a into iota b and a plus iota b। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर दी। दिस इज x plus iota y is equal to, ये a क्यूब हो गया, iota का क्यूब यहां पर आ जाएगा, दिस इज क्योंकि होल क्यूब है तो iota का क्यूब और b का भी क्यूब, प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3ab और साथ में एक iota भी है, तो ऐसे लिखिए। ठीक है, नाउ इट इज तो दिस इज x plus iota y is equals to a cube plus iota का क्यूब कितना होता है, ध्यान रखना iota क्यूब is iota क्यूब is minus iota। ठीक है, तो ये हो गया इधर minus iota और ये b cube, इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, जब इसको a से करेंगे तो 3 a square b iota plus, जब इसको इसके साथ किया हमने 3 a b square iota square और iota square की वैल्यू कितनी है minus 1। ठीक है, so it is x plus iota y is equals to a cube minus, ये हो गया iota b cube plus 3 a square b iota, iota square अब मैंने वैल्यू लिखी minus 1, उसके बेसिस पर यहाँ ये आ गया minus 3 a b square। ठीक है, now यहाँ पे कुछ रियल पार्ट्स इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे कुछ रियल इमेजिनरी, तो हमने करना है इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को हमने इक्वेट कर देना है। अब इसमें तुम लोगों ने देखना है कौन से बच्चे हमारे पास रियल पार्ट्स हैं, तो रियल पार्ट्स को मैं पहले, रियल पार्ट कौन से होते हैं जिसमें आयोटा नहीं है, ये है ना रियल पार्ट, इधर आ गया ये रियल पार्ट, इसमें आयोटा है, ये नहीं है रियल, ये भी रियल नहीं है, ये वाला है, तो रियल पार्ट को मैंने अंडरलाइन रेड से कर दिया। तो कैसे लिखा हमने, x इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के नीचे डबल लाइन जैसे कर दिया। जब हम इमेजिनरी पार्ट्स लिखेंगे तो याद रखना है आयोटा नहीं लिखना हमने, सिंपल इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो लेना है। तो आयोटा के साथ क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू
आयोटा के साथ क्या है माइनस बी क्यूब, तो माइनस बी क्यूब। इधर आयोटा के साथ क्या है प्लस 3a² b। समझ आ गया। नाउ अब तुमने देखना है जो हमने प्रूफ करना है, ये हमारा एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूफ करना है। तो मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है यहाँ पर, a कॉमन है तो हमने a कॉमन ले लिया, तो क्या है a कॉमन ले लिया, क्या आ गया a square minus ये a तो बाहर तो 3b² and इसी तरह से इसमें भी तुम लोगों को दिख रहा है क्या कॉमन है यहाँ पर b is common, b कॉमन लिया तो minus b² और इधर आ गया plus 3a² ठीक है। अब आगे स्टेप्स में हमें जो प्रूव करना था वो x upon a है, तो x upon a को हमने क्या करा, ये वाला a इधर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया, तो ऐसे लिख दिया x upon a is equal to a² minus 3b², ये हमारा a result। एंड यहां पर इस y b को भी शिफ्ट कर दिया, तो y upon b is equal to minus b² plus 3a², this is the second equation ठीक है। अब इन दोनों equations को बीच में साइन देखना है। नाउ फर्स्ट क्या चीज चाहिए हमें साइन, कई बार ऐसे क्वेश्चन में बीच में तुम्हारा प्लस भी आ सकता है प्रूव करने के लिए, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहां तक सारे स्टेप्स उसके भी सेम होंगे। तो हमने यहां पे देखा क्वेश्चन में माइनस है, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे लिखा मैंने x अपॉन a इज इक्वल टू, पहले मैं x वाली टर्म्स लिख रही हूं ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेकंड इक्वेशन यहां पे माइनस y अपॉन b, ओके माइनस करना है माइनस, ये हो गया माइनस b² प्लस 3a², क्योंकि यहां पे दो टर्म्स है तो ब्रैकेट डालना बहुत जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि दो टर्म्स थी तो हमने ब्रैकेट करके फिर माइनस लिखा हुआ है। नाउ दिस इज x अपॉन a माइनस y अपॉन b, इधर ब्रैकेट ओपन करते हैं राइट साइड पे, तो माइनस इनटू माइनस हो गया प्लस, माइनस और इधर प्लस हो गया माइनस 3a². अब ये a² और माइनस 3a² कितना आ गया माइनस 2a², माइनस 3b² और प्लस b² हो गया माइनस 2b², प्रूव क्या करना देखो हमें, तो प्रूव में हमें ये माइनस 2 उन्होंने कॉमन लेके लिखा हुआ है, तो हम भी माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस 2 कॉमन लिया तो आ गया ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पर आ गया हमारा x upon a minus y upon b is equal to minus 2 into a² plus b². समझ आ गया, तो क्वाइट इजी। तो तुम लोगों ने बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय सारे क्वेश्चन को करना है, और लास्ट मिनट में सारे क्वेश्चंस को बहुत ही थॉरली अंडरस्टैंड करके रिटन वे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम लोगों का रिजल्ट इससे बहुत ही अच्छा आ जाएगा। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।